फाइनली दोस्तों इंडिया वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो 5G का फोन लॉन्च चुका है। इस फोन दोस्तों आपको क्या फीचर्स क्या स्पेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कम्पिटिटिव देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। इसमें दोस्तों आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है जो 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। साथ ही इस फोन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड 14 भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 16GB का रैम और 500GB UFS 4.0 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की हम बात करते हैं, आउटर साइड में आपको 6.53 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन जाता नहीं है LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है और 120Hz का रिफ्रेश रेट और 4500 की आपको पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। इनर साइड की डिस्प्ले की हम बात करें तो उसमें आपको दोस्तों 8.03 इंच का नहीं है 2K रेजोल्यूशन LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल जाता है और 4500 की आपको पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही इस फोन में आपको डॉल्बी विजन का और SDTS का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों कैमरे की अगर हम बात करें तो बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा आपको 50MP वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको OIS का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी आपको 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। थर्ड आपको 64MP नहीं पेरिस्कोप कैमरा आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको OIS का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो आउटर साइड में आपको 32MP नहीं सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है और इनर साइड में आपको सेम कैमरा आपको देखने मिलता है 32MP सेल्फी कैमरा। कनेक्टिविटी आप मुझे कमेंट रूसा करना और कोई भी इश्यू तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।